बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बहुत ही मज़े की आंवला की जेली बना रहे हैं, जो कि बनाना बहुत ही आसान है, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। चले अब शुरू करते हैं। एक पाव आंवला मैंने सॉस पैन में डाल के रख दिया है। अब इसमें 1 कप के करीब हम पानी डालेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक बॉईल करेंगे। 3-4 मिनट हो गए हैं बॉयल करते हुए। ये देखें माशाल्लाह, ज़बरदस्त हमारे बॉयल हो गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ये थोड़े ठंडे हो गए हैं, पानी मैंने इनका सारा छान दिया। अब इसका पल्प हम अलग-अलग कर लेंगे और इसके बीज अलग-अलग कर देंगे। ये मैंने बीज अलग-अलग कर दिए हैं। अब इसके अंदर हम तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे और इसके छोटे छोटे ऐसे पीस कर लेंगे और ये भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। 2-3 चम्मच पानी के डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। जितना हमारे पास पेस्ट है उसी प्याली से हमने उतनी चीनी लेनी है। अब फ्राई पैन के अंदर हम पेस्ट डालेंगे जो हमने बनाया है आमले का। और शुगर डाल देंगे। अब इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे और बीच बीच में चम्मच ऐसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। छः 7 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए। ये देखें माशाल्लाह काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हम सौंफ का पाउडर डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और 1/2 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। एक से दो चुटकी इसमें काला नमक डालेंगे। अब तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं मुझे पकाते हुए। ये देखें काफ़ी ठीक हो गई है। अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसको 3-4 टेबल स्पून पानी डाल के इसको घोल लेंगे। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डालेंगे। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और पका लेंगे। कॉर्नफ्लोर वाला मिक्सचर डाल के भी मैंने 5-6 मिनट इसको पका लिया है। ये देखें माशाल्लाह गाढ़ा हो गया है। अब हम चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको सेट कर लेंगे एक प्लेट। ये प्लेट को मैंने ग्रीस कर दिया है ऑयल के साथ। अब इसमें हम सेट कर देंगे। अब इसको ठंडा होने के लिए 2 घंटे के लिए रख देंगे। ये अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जितनी बड़ी आपने बनानी है उतनी आप इसकी कटिंग कर लें। Thank you.
ये हमने कटिंग कर ली है, ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। ये देखें हमारी आंवला जेली बिल्कुल रेडी हो गई है, जो बहुत ही मज़े की बनी है। आप इसको ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें, ये बड़ी ज़बरदस्त बनती है। मुझे उम्मीद है आपको जो मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।